वेलकम बैक टू माय चैनल शायनिकाज़ लाइफस्टाइल एंड एज यू नो दिस इज शायनिका। सो मेरे आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल ही शादी का टाइम चल रहा है और बहुत सारे जनों का शादी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इसीलिए खास करके मैंने इस वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो मैं आप सबके लिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हालाँकि ये मेकअप ट्यूटोरियल दिखने में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा इजी है और इजीली आप इस मेकअप लुक को अचीव कर सकते हैं। सो और देर ना करते हुए चलिए आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि मैं क्या कहने वाली हूँ। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल बटन होगा, उसको याद से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जब भी मैं कभी नए वीडियोज़ को अपलोड करूँगी, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो गाइज और देर ना करते हुए चलिए शुरू कर देते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ एक वेट वाइप की मदद से। इससे हमारे फेस में जो भी एक्सेस ऑयल एंड डर्ट बचा हुआ रहता है बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है और हम लोगों को एक क्लीन कैनवस मिल जाता है मेकअप शुरू करने के लिए। तो मेकअप शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेल लाइनर और मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। तो आईब्रोज़ को फिल करने के लिए सबसे पहले आईब्रोज़ का जो आउटर लाइन है उसको मैं ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मिडिल का जो पोर्शन है उसको मैं बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे धीरे फिल कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का एक जेल लाइनर। आप चाहे तो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक स्पूली की मदद से बहुत ही अच्छे से मैं अपने आईब्रोज़ के हेयर को कोम कर रही हूँ। इससे हमारे आईब्रोज़ में जो भी एक्सेस प्रोडक्ट लगा हुआ रहता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। उसके बाद आईब्रोज़ को थोड़ा सा शार्प एंड डिफाइन बनाने के लिए आईब्रोज़ के साइड पोर्शन में मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इस कंसीलर का ब्रांड का नाम है एल.ए. गर्ल प्रो कंसीलर इन द शेड कीमी बेज। पूरा का पूरा जो आईलिड है उसको भी मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ इसी कंसीलर के सहारे। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर के सहारे मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट कर रही हूँ मैं आइज मेकअप। तो इसके लिए मैं साइड में सबसे पहले मैं हेलो टिप को अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हम लोगों का जो आई शेडो का एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा शार्प एंड ब्यूटीफुल होकर बाहर आ सके। तो सबसे पहले आइज का जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से मैं अपने आईब्रोज़ को ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लैक ग्रे कलर का आईशैडो को मैं सबसे पहले अपने आइज का जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि हम लोगों का आइज में एक बहुत ही अच्छे से डेप्थ आ सके। उसके बाद एक लाइट ब्राउन कलर के आईशैडो को मैं यूज़ कर रही हूँ आइज के आउटर कॉर्नर में। एंड उसके बाद हम लोगों का जो क्रीज पोर्शन है, क्रीज लाइन है, उसको मैं यहाँ पे एक कट क्रिएट कर रही हूँ एक कंसीलर के सहारे और इस कंसीलर का नाम है गर्ल प्रो कंसीलर। धीरे धीरे बहुत ही पेशेंस के साथ अपने आईब्रोज़ का जो फ्रंट सेक्शन है उसको मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद जहाँ पे जिस पोर्शन में मैंने कट क्रिएट किया था उस पोर्शन में मैं एक गोल्डन कलर के आईशैडो को मैं अपने फिंगर के सहारे अच्छे से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का स्केच लाइनर और ये बहुत ही बोल्ड कलर का है। सो दिस इज़ माय फेवरेट वन। और स्केच लाइनर यूज़ करते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। बहुत धीरे धीरे हम लोगों को सबसे पहले एक थिन लाइन बना लेना है, उसके बाद धीरे धीरे उसको आप मन चाहे अपना शेप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कलोसल मस्कारा। एंड हम लोगों का जो आइज मेकअप वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले जहाँ पे मैंने मेरे फेस में थोड़ा बहुत फॉल आउट हुआ है उसको मैं वेट वाइप की मदद से अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। जहाँ पे मैंने फाउंडेशन को यूज़ किया है उसको एक ब्रश के सहारे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एल.ए. गर्ल का एल.ए. गर्ल प्रो कंसीलर, और ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और कम्प्लीटली एक एचडी फिनिश मेकअप लुक हम लोगों को मिलता है। इसीलिए इसी कंसीलर को मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी ये दिस इज़ माई फेवरेट वन एंड ट्रस्ट मी ये क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मेरे छोटे वाले ब्यूटी स्पंज में मैं थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जहाँ पे भी मैंने कंसीलर को यूज़ किया है उसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरिफ्लेम का कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा पाउडरी है, सो दिस इज़ माय फेवरेट वन। उसके बाद नोज़ के साइड के पोर्शन को कंटूर करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना का ब्राउन्ज़र। तो मेरे चिक्स पे एंड नोज़ के साइड पोर्शन में मैं इसी ब्राउन्ज़र को यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले छोटे वाले मेकअप ब्रश के सहारे मैं अपनी फेस पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश के सहारे इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिवाना का हाइलाइटर। उसके बाद काजल के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर। उसके बाद लोअर वाटर लाइन पे जहाँ पे मैंने काजल को यूज़ किया है उसी जगह पे एक गोल्डन कलर का आईशैडो को मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इनर आइज को थोड़ा सा हाईलाइटिंग करने के लिए एक सिल्वर कलर के आईशैडो को अपने आइज के इनर कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉल्सीज एंड लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर ब्रांड का एक लिक्विड लिपस्टिक, और इसका ब्रांड का नाम है वाइन एंड शाइन। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं पहन रही हूँ अपनी ज्वेलरी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी मनपसंद ज्वेलरी आप यहाँ पे पहन सकते हैं। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। सो गाइज़ आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू फ्रेंड्स, बाय।